हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 2000 से लेकर सत्ताईस के बीच में कौन सी स्मार्ट वॉच आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगी और ऐसी में पांच स्मार्ट वॉच के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं जहां पर आपको अच्छी बिल्ड क्वालिटी अच्छी डिस्प्ले और साथ ही साथ काफ़ी तगड़ी एक्यूरेसी भी मिलने वाली है तो अगर आप लोगों का बजट दो से लेकर तीन के बीच में है तो इस वीडियो को जरूर से एंड तक देखें आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं नंबर पाँच पे आती है डीजो वॉच टू और कुछ दिनों पहले मैंने इसको नंबर एक पे रखा था बट अभी इससे ज़्यादा फीचर्स के साथ वॉच आ चुकी है मार्केट में तो यहाँ पर मैंने इसको नंबर पाँच पे रखा है सबसे पहले डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको मेटालिक बिल्ड मिल जाती है और इसमें आपको फाइव एटीएम का सर्टिफिकेशन भी मिलने वाला है तो वॉच काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और काफ़ी सॉलिड होने वाली है बाकी इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है तो जितनी थिन रिस्ट है उनके ऊपर ये वॉच अच्छी नहीं लगेगी जिनकी मीडियम साइज़ की रिस्ट है या फिर बड़ी रिस्ट है तो उनके ऊपर सूटेबल है बाकी फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 1.6 पॉइंट सिक्स नाइन इचेस की टिफ्टी डिस्प्ले मिल जाती है जिसमें आपको 600 हंड्रेड नीट्स की ब्राइटनेस मिलती है तो डिस्प्ले सुपर ब्राइट है और डिस्प्ले की क्वालिटी काफी अच्छी मिलने वाली है इस वॉच में बाकी इसमें आपको 100 प्लस वॉच फेसेस का सपोर्ट भी मिलने वाला है हेल्थ फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको फिफ्टीन स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाते हैं उसके बाद हार्ट ट्रेट एसपो टू स्लीप ट्रैकिंग और ब्रीदिंग एक्सरसाइज का फीचर मिलने वाला है साथ ही साथ यहाँ पर आपको फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का फीचर भी मिल जाता है और सभी की एक्यूरेसी काफ़ी तगड़ी है उसके बाद बेसिक फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको वेदर फोरकास्ट का फीचर मिल जाएगा और चार दिन का वेदर आप इसमें देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको म्यूज़िक कंट्रोल कैमरा कंट्रोल स्टॉप वॉच टाइमर अलार्म ये सब फीचर्स भी मिल जाते हैं साथ ही साथ फाइन डिवाइस का फीचर भी मिल जाता है और फ्लैश लाइट का फीचर भी दिया गया है तो ओवरऑल देखा जाए तो फीचर्स के लिहाज से काफ़ी सही वॉच है और यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी भी मिलने वाली है बाकी इसमें आपको जो यू मिलता है वो भी काफ़ी स्मूथ देखने को मिल जाता है और बैटरी बैकअप की बात करें तो यहाँ पर आपको पाँच से छः दिन का बैटरी बैकअप भी मिल जाएगा और प्राइस की बात करें तो अभी इसका प्राइस चल रहा है सत्ताईस सौ रुपये कभी कभी इसका प्राइस बाईस सौ भी हो जाता है तो आप लोग चेक कर लेना बाकी सत्ताईस सौ के हिसाब से भी काफ़ी सही वॉच है और आप लोग इसको बिल्कुल ले सकते हैं नंबर चार पे आती है रियलमी टेक लाइफ वॉच एस हंड्रेड और ये भी काफ़ी स्टेबल और काफ़ी अच्छी वॉच है इसलिए मैंने इसको चार नंबर पे रखा है सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की बात करें तो यहाँ पर आपको प्लास्टिक बिल्ड मिल जाती है बट बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है और इसमें आपको आई की रेटिंग मिलने वाली है डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको वन पॉइंट की टीफ्टी डिस्प्ले मिलने वाली है बट इसकी डिस्प्ले भी काफ़ी ब्राइट है और आउटडोर में आराम से यूज़ कर सकते हैं उसके साथ ही यहाँ पर आपको हंड्रेड प्लस वॉच फेसेस का सपोर्ट भी मिलने वाला है और कस्टम वॉच वॉचफेस का फीचर भी आपको इसमें मिल जाता है रही बात हेल्थ फीचर्स की तो यहाँ पर आपको 24 फोर स्पोर्ट्स बोर्ड देखने को मिलने वाले हैं उसके बाद हार्ट रेट स्कू टू स्लिप ट्रैकिंग और इसमें आपको टेम्परेचर का फीचर भी मिल जाता है तो आप स्किन टेम्परेचर को मॉनिटर कर सकते हैं इस वॉच की मदद से उसके बाद यहाँ पर आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज का फीचर मिल जाता है और एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी भी काफी तगड़ी है चाहे हार्ट रेट की बात करें या फिर पैरोमीटर की बात करें सभी की एक्यूरेसी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है बेसिक फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको वेदर फोरकास्ट का फीचर मिल जाता है और सात दिन का वेदर आप इसमें देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको म्यूज़िक कंट्रोल कैमरा कंट्रोल स्टॉप फर्स्ट टाइमर अलार्म फाइन डिवाइस और यहाँ पर आपको फ्लैश लाइट का फीचर भी मिल जाता है बाकी सभी वॉच में आपको स्मार्ट नोटिफिकेशन भी मिल जाती है तो कॉल के और मैसेज के आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी वॉच में इसमें आपको हिंदी का सपोर्ट नहीं मिलता है बाकी बैटरी बैकअप की बात करें तो यहाँ पर आपको आठ से दस दिन का बैटरी बैकअप मिल सकता है जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है तो ये वॉच भी काफी अच्छी है और इसको भी आप लोग कंसिडर कर सकते हैं प्राइस की बात करें तो अब इसका प्राइस चल रहा है बाईस जो कि काफ़ी सही है और आप लोग इसको बिल्कुल ले सकते हैं इस प्राइस रेंज में काफी सही वॉच है बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से आप जाकर ले सकते हैं और सभी वॉच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अब अगली वॉच की बात करें जो कि काफ़ी तगड़ी वॉच होने वाली है और ये भी आती है डिजो की तरफ से और इसका नाम है डीजो वॉच टू स्पोर्ट्स जो कि डिजो वॉच टू का सक्सेसर है और बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर आपको प्लास्टिक बिल्ड मिलती है बट बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इसमें आपको फाइव ए का सर्टिफिकेशन मिलने वाला है तो फिफ्टी मीटर का घर तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं उसके बाद डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर भी आपको 1.6 पॉइंट सिक्स नाइन की टी एफ टी डप्ले मिल जाती है और इसमें भी आपको 600 हंड्रेड इंचज की ब्राइटनेस मिलने वाली है तो डिस्प्ले सुपर ब्राइट है आउटडोर में आराम से यूज़ कर सकते हैं बाकी इसमें आपको 200 प्लस वॉच फेसेस का सपोर्ट मिल जाता है तो यहाँ पर ढेर सारे आपको वॉच वॉचवेस मिल जाएंगे इस वॉच में हेल्थ फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 110 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं उसके बाद यहाँ पर आपको हार्ट रेट एसपो टू स्लीप ट्रैकिंग और ब्रीदिंग एक्सरसाइज का फीचर मिल जाता है साथ ही साथ यहाँ पर आपको फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का फीचर भी दिया गया है और एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी काफी ज्यादा तगड़ी है चाहे हार्ट रेट की बात करें स्पीड की बात करें स्लीप ट्रैकिंग की बात करें या फिर इसके पैडोमीटर की बात करें सभी की एक्यूरेसी आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है बाकी बेसिक फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको वेदर फोरकास्ट का फीचर मिल जाता है और चार दिन का वेदर आप इसमें देख सकते हैं उसके बाद म्यूजिक कंट्रोल कैमरा कंट्रोल स्टॉप फर्च टाइमर अलार्म फाइन डिवाइस और यहाँ पर भी आपको फ्लैश लाइट का फीचर मिल जाता है और डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है तो फ्लैश लाइट को आप आराम से यूज़ कर सकते हैं बाकी बैटरी बैकअप की बात करें तो यहाँ पर भी आपको पाँच से छः दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा जो कि डिसेंट है और इसका भी यू आई आपको काफ़ी स्मूथ देखने को मिल जाता है तो ओवरऑल काफ़ी तगड़ी वॉच है और काफ़ी ढेर सारे फीचर्स इसमें मिलने वाले हैं और एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी है तो जिन लोगों का बजट 2500 है क्योंकि अभी इसका प्राइस चल रहा है चौबीस सौ निन्यानवे तो पच्चीस सौ के हिसाब से काफ़ी सही वॉच है और आप लोग इसको बिल्कुल ले सकते हैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बाकी अगर आप लोगों को पता नहीं है तो इस वीडियो पे गिव अवे चल रहा है और यहाँ पर मैं बोट वॉच ब्लेस का गिव अवे करने वाला हूँ काफ़ी छोटा सा टारगेट मैंने दिया है दस हज़ार व्यूज़ और एक हज़ार लाइक्स का वो भी पूरा नहीं हो पा रहा है और जबकि मेरे चैनल पर तीस हज़ार प्लस सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ जाइए वीडियो को देखिए और टारगेट को पूरा कीजिए तभी मैं रिजल्ट अनाउंस करूंगा और यहाँ पर मैंने थंबनेल में कहीं पर भी गिव अवे नहीं लिखा है उसका रीज़न है कि मैं चाहता हूँ जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उन्हीं में से कोई एक विनर बने तो जाइए वीडियो को देखिए और टारगेट को पूरा कीजिए अगली वॉच की बात करें जो कि आती है नॉइज़ की तरफ से और इसका नाम है नॉइज़ कलर फिट पल्स ग्रैंड और इसको मैंने दो नंबर पे क्यों रखा है क्योंकि यहाँ पर आपको ढेर सारे फीचर्स तो मिलते ही हैं साथ ही साथ एक्यूरेसी भी काफ़ी तकलीफ मिलने वाली है सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी डिज़ाइन देखने को मिल जाती है और बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है बट इसमें आपको प्लास्टिक बिल्ड मिलती है तो बिल्ड क्वालिटी इतनी ज़्यादा प्रीमियम तो नहीं है बाकी इसमें भी आपको आई पी सिक्सटी एट की रेटिंग मिल जाती है डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर वन पॉइंट सिक्स नाइन एच की टी एफ टी डिस्प्ले मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की दी गई है और कलर्स काफ़ी पहच जाते हैं और डिस्प्ले ब्राइट है तो आप आउटडोर में आराम से यूज़ कर सकते हैं बाकी इसमें आपको वन फिफ्टी प्लस वॉच फेसेस का सपोर्ट भी मिल जाता है और इसमें भी आपको कस्टम वॉच फेस दिया गया है हेल्थ फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 60 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाते हैं और इसमें आपको कनेक्टेड जीपीएस का सपोर्ट भी मिल जाता है तो यहाँ पर इसके पैडोमीटर की एक्यूरेसी काफ़ी तगड़ी होने वाली है बाकी यहाँ पर आपको हार्ट रेट एस्पो टू स्लीप ट्रैकिंग स्ट्रेस मॉनिटरिंग और ब्रीथिंग एक्सरसाइज का फीचर दिया गया है तो यहाँ पर आप इससे स्ट्रेस मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं और सभी की एक्यूरेसी काफ़ी तगड़ी है बेसिक फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको वेदर फोरकास्ट का फीचर मिल जाता है और चार दिन का वेदर आप इसमें देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको म्यूजिक कंट्रोल कैमरा कंट्रोल स्टॉप वाच टाइमर अलार्म फाइन डिवाइस और फ्लैश लाइट का फीचर तो दिया गया है साथ ही साथ यहाँ पर आपको वर्ल्ड क्लॉक का फीचर भी मिल जाता है जो कि काफ़ी यूनिक है तो यहाँ पर आपको ढेर सारे फीचर्स मिल जाते हैं इस वॉच में बाकी यू की बात करें तो काफ़ी अच्छा आपको यू भी देखने को मिल जाता है और बैटरी बैकअप की बात करें तो यहाँ पर आपको पाँच से छः दिन का बैटरी बैकअप भी मिल जाएगा जो कि काफ़ी अच्छा है बाकी इसमें आपको एक और काफ़ी कमाल का फीचर मिल जाता है स्मार्ट नोटिफिकेशन आने पर इसमें आपको क्विक रिप्लाई का फीचर भी दिया गया है तो क्विक रिप्लाई आप इससे दे सकेंगे और प्राइस की बात करें तो अभी इसका प्राइस चल रहा है चौबीस सौ निन्यानवे लगभग पच्चीस सौ रुपये और पच्चीस सौ में काफ़ी सही वॉच है और बिल्कुल आप लोग इसको ले सकते हैं यहाँ पर मैं एक और वॉच सजेस्ट करना चाहूँगा जिसका नाम है नॉइस कलर फिट ब्रियो और इसमें भी वो सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आपको पल्स ग्रैंड में देखने को मिलते हैं बट इस वॉच की जो डिस्प्ले है वो कमाल की है इसमें आपको ट्रू वेव डिस्प्ले मिल जाती है जिसका रेजोल्यूशन है थ्री सिक्सटी बाई फोर हंड्रेड पिक्सल तो डिस्प्ले सुपर शार्प है और कलर्स काफ़ी पंची आते हैं बाकी इस वॉच का जो साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा है तो जिनकी थिन रिश्ते या फिर लेडीज़ के लिए कमाल की वॉच होने वाली है और बैटरी बैकअप यहाँ पर को थोड़ा सा कमज़ोर मिलता है इसमें आपको तीन से चार दिन का ही बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा बाकी वॉच काफ़ी अच्छी है और अभी आप लोगों को पच्चीस सौ में मिल जाएगी तो उसको भी आप लोग ले सकते हैं अब आते हैं नंबर वन स्मार्ट वॉच की तरफ और इसको मैंने नंबर एक पे क्यों रखा है उसका भी काफ़ी बड़ा रीज़न है क्योंकि इसका जो प्राइस था वो काफ़ी ज़्यादा था और अभी ड्रॉप होकर इसका प्राइस काफ़ी कम हो चुका है पहले ये तीन हज़ार में लॉन्च हुई थी उसके बाद इसका प्राइस हो गया था पैंतीस सौ और अभी आप लोगों को दो हज़ार में ये मिल जाएगी और इसमें आपको जी पी एस का सपोर्ट भी मिल जाता है तो दो हज़ार में जी पी एस मिलना काफ़ी बड़ी बात है और इस वॉच का नाम है ट्रूक औरजन स्मार्ट वॉच जहाँ पर आपको काफ़ी तगड़े तगड़े फीचर्स भी मिलने वाले हैं साथ ही साथ एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर आपको काफी यूनिक प्रकार के डिज़ाइन देखने को मिल जाती है जो कि कुछ लोगों को अच्छी लग सकती है कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग सकती है तो ये आप लोगों के ऊपर है कि कौन से डिज़ाइन आप लोगों को अच्छी लगती है बाकी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे डिजाइन देखने को मिल जाती है और बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक की है तो बिल्ड क्वालिटी उतनी ज़्यादा प्रीमियम नहीं है बाकी आपको काफी ठीक ठाक बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है और इसमें भी आपको आई पी सिक्सटी एट की रेटिंग मिल जाती है फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको वन पॉइंट सिक्स नाइन की टीव डिस्प्ले मिल जाती है जो कि काफ़ी ब्राइट है और आउटडोर में आराम से यूज़ कर सकते हैं और डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी गई है और वॉच फेसेस की बात करें तो यहाँ पर आपको हंड्रेड प्लस फेसेस का सपोर्ट भी मिल जाता है हेल्थ फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 14 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको जीपीएस भी मिल जाता है तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी तगड़ी होने वाली है और इस वॉच में आपको नाइन एक्सेस ग्रेविटी सेंसर भी मिल जाता है तो अगर आप इस तरह से चलते हैं विरात को हिलाए हुए तो भी ये स्टेप काउंट की रीडिंग कर लेती है तो ये कमाल का फीचर इस वॉच में मिल जाता है बाकी किसी भी बजट वॉच में नहीं मिलता है उसके बाद यहाँ पर आपको हार्ट रेट एसपी स्लीप ट्रैकिंग और यहाँ पर आपको ब्लड प्रेशर का फ़ीचर भी दिया गया है बाकी इस वॉच में आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज का फीचर नहीं मिलता है और हार्ट रेट की बात करें या फिर स्लीप ट्रैकिंग की बात करें काफ़ी एक्यूरेट रिजल्ट आते हैं तो हेल्थ फीचर्स के लिहाज से काफ़ी सही वॉच है बाकी अदर फीचर्स की बात करें बेसिक फीचर्स की तो यहाँ पर आपको वेदर का फीचर मिल जाता है और एक दिन का ही वेदर आप इसमें देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको म्यूजिक कंट्रोल और कैमरा कंट्रोल का फीचर दिया गया है उसके बाद स्टॉप फर्च टाइमर अलार्म फाइन डिवाइस और टॉर्च का फीचर इसमें मिल जाता है उसके बाद यहाँ पर आपको स्मार्ट नोटिफिकेशन में हिंदी का सपोर्ट मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है अगर कोई हिंदी में मैसेज भेजता है तो आप इसमें पढ़ पाएंगे बाकी बैटरी बैकअप की बात करें तो यहाँ पर आपको पाँच से छः दिन का बैटरी बैकअप भी मिल जाएगा जो कि डिसेंट है तो ओवरऑल काफ़ी जबरदस्त वॉच है और प्राइस की बात करें तो अभी इसका प्राइस चल रहा है दो और 2000 में आपको कमाल के फीचर्स मिल जाते हैं इसमें आपको जीपीएस मिल जाता है तो जिन लोगों को जीपीएस वाली वॉच चाहिए वो लोग इसको ले सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बाकी सभी वॉचेस का मैंने फुल रिव्यू आप लोगों को दिया है तो अगर आप लोगों को डिटेल में जानकारी लेना है तो वीडियो जाकर देख लीजिए सभी वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो वहाँ से आप जाकर वीडियो को देख लीजिए उसके बाद अपना फैसला लीजिए बाकी सारी की सारी वॉश काफ़ी अच्छी है और आप लोग कोई भी ले सकते हैं तो बस इस वीडियो में इतना ही उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें बाय